The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. हेलो एवरीवन, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। तो आइए बात करते हैं कि आप जो खाना खाते हैं उसमें जो कार्ब्स होते हैं आप उसे कैसे डाइजेस्ट, एब्जॉर्ब और मेटाबोलाइज करते हैं, आज उस बारे में बात करेंगे हम। सो जो आप कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं वो बेसिकली पॉलीसेक्राइड, मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड और मोनोसेक्राइड में डिवाइड होते हैं। पॉलीसेक्राइड बहुत कॉम्प्लेक्स कार्ब्स होते हैं और अल्टीमेटली ये सारे कार्ब जो हैं ये आपके शरीर में टूट के या तो ग्लूकोज बन जाते हैं या फ्रुक्टोज बन जाते हैं या फिर इस प्रकार के कोई माल्टोज, ग्लूकोज, डाइसेक्राइड्स होते हैं, लेकिन अल्टीमेटली वो भी टूट के ग्लूकोज या फ्रुक्टोज ही बन जाते हैं। अब ये तोड़ता कौन है? बेसिकली जब आप खाना खाते हैं तो आपके माउथ में, आपके सलाइवा में सलाइवरी अमाइलेज नाम के एंजाइम्स होते हैं जो तोड़ते हैं पॉलीसेक्राइड्स को। वैसे ही आपके पेट में गैस्ट्रिक जूस होता है, गैस्ट्रिक अमाइलेज भी तोड़ता है आपके, लेकिन इस गैस्ट्रिक अमाइलेज का आम जो होता है काफी वीक होता है, इट्स अ वीक अमाइलेज। पैनक्रियाटिक जूस होता है जो पैनक्रियास से निकल के मिलता है, पैनक्रियाटिक अमाइलेज। और स्मॉल इंटेस्टाइन में जब इतने पॉलीसेक्राइड्स जो है टूट के छोटे छोटे हो जाते हैं, छोटे छोटे कार्ब्स बन जाते हैं, सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज, लैक्टिन, तो इनको तोड़ने के लिए इनके खुद के अपने अपने सुक्रेज, लैक्टोज, माल्टोज, ये सारे एंजाइम्स हैं, सुक्रेज, माल्टेज, लैक्टेज, लैक्टिन, ये सारे एंजाइम्स इन पे काम करके अल्टीमेटली हमें ग्लूकोज और फ्रुक्टोज और गैलेक्टोज ऐसे तीन चार मोनोसेक्राइड्स ही मिलते हैं। अब ये मोनोसेक्राइड एब्जॉर्ब कैसे होते हैं? ये आपका गट है जो इंटेस्टाइनल वॉल है, यहां पर आपका गट है और यहां पे आपका ब्लड है। सो अल्टीमेटली यहां से ग्लूकोज जो है, मोनोसेक्राइड जो है, फ्रुक्टोज, ग्लूकोज, गैलेक्टोज, ये सोडियम की मदद से, ग्लूकोज और गैलेक्टोज सोडियम की मदद से अंदर जाते हैं थ्रू अ सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर, SGLT ट्रांसपोर्टर अंदर जाते हैं। और उसके लिए, उस प्रोसेस के लिए यहां पर सोडियम को, इस सेल में सोडियम की डेफिशिएंसी क्रिएट करनी होती है, वो क्रिएट करता है ये एक्टिव प्रोसेस जिसमें ATP यूज होता है। यहां पर क्या हो रहा है, बॉडी जो है सोडियम को सेल से बाहर निकाल रही है इस एपिथेलियल, इंटेस्टाइनल एपिथेलियल सेल से इस पर्टिकुलर चैनल के थ्रू। और ये चैनल जो है सोडियम पोटेशियम चैनल, ATPase चैनल जो है, यहां पर सोडियम बाहर निकाल के इतनी डेफिशिएंसी कर देता है, सोडियम यहां से खींचा जाता है, साथ में ग्लूकोज और गैलेक्टोज भी अंदर आ जाता है SGLT ट्रांसपोर्ट के थ्रू। फ्रुक्टोज जो है वो GLUT5 ट्रांसपोर्टर के साथ डायरेक्ट अंदर आ जाता है। अब इसके बाद जब एपिथेलियल सेल में आ जाते हैं तो वो इंटेस्टाइन की वॉल्स हैं, वहां से ब्लड में आना है, तो ब्लड में आने के लिए GLUT2 ट्रांसपोर्टर्स यहां पे GLUT ट्रांसपोर्टर के थ्रू सारे के सारे एक साथ अंदर आ सकते हैं एक ही ट्रांसपोर्टर से। सो अल्टीमेटली आपके खून में आ गए ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और गैलेक्टोज। तो कुछ भी आप खाते हैं अल्टीमेटली टूट के वो इसी तरह से अंदर आते हैं आपके खून में। उसके बाद ये सारे के सारे कहीं से भी आपके इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हो जाए, ये एब्जॉर्ब होके जाएंगे आपके लिवर के पास। अल्टीमेटली एवरीथिंग फर्स्ट गोज टू द लिवर। लिवर में क्या होता है, लिवर में मोटे मोटे काम होते हैं। ये ग्लूकोज जब लिवर में जाता है तो लिवर क्या करेगा, एक्सेस ग्लूकोज को वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देगा और स्टोर कर देगा लिवर के अंदर, इसलिए लिवर में ग्लाइकोजन स्टोर होता है। और उसी ग्लाइकोजन से उसी ग्लूकोज को, अल्टीमेटली कुछ ग्लूकोज को, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को, वो तोड़ने का जो एंजाइम है दैट इज ओनली प्रेजेंट इन लिवर, तो वो तोड़ के ग्लूकोज को आगे भेज देता है ताकि पूरी बॉडी आपकी उसे यूज कर सके। और एक्स्ट्रा जब होता है उसे ग्लाइकोजन के फॉर्म पे, और ज्यादा होता है तो उसे और ट्राइग्लिसराइड्स बना देता है।